नमस्ते फ्रेंड्स, एलके गार्डनिंग में आज आपका स्वागत है। और ये देखिए, आज मैं साड़ी से सूट बनाया है पूरा, लेकिन मैं ये वीडियो है मेरी सिर्फ प्लाजो की। और क्योंकि इसमें प्लाजो का कपड़ा थोड़ा कम है, तो कम कपड़े में कैसे कटिंग करते हैं, तो वो सिर्फ मैं कटिंग करना ही बताऊंगी इसमें। तो पहले इसको मैं लेस को उधेड़ के रख लेती हूँ। और जो ये कपड़ा है प्रिंटेड जो है, पत्तियां जैसी बन रही है, तो इसमें से कुर्ता निकाला है मैंने, और उसकी वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड कर दी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो इसको अलग करके नहीं मैंने, और फिर मैंने रखा है ये प्लाजो के लिए कपड़ा। तो ये देखिए, ये मैंने चार लेयर में एक साथ रख लिया है। तो बीच वाला जो हिस्सा है इसका थोड़ा छोटा है मेरे हिसाब से, मेरी 44 हिप है, तो ये देखिए, और 40 इसकी लेंथ है। और जो हम मोड़ते हैं नीचे मोहरी, तो उसके लिए 2 इंच, तो वो 2 इंच में नहीं रखूंगी, क्योंकि कपड़ा की हमारी की ये कम है। देखिए 34 का है ये, और मुझे चाहिए 40 टोटल। तो इस इंची टेप को अब मैं ऊपर निकाल दूंगी। देखिए 6 इंची हम ऊपर निकाल देंगे इंची टेप को, और नीचे तो 40 पूरा हो जाएगा। तो ऊपर जो निकालेंगे हम ये वाला कपड़ा जहाँ इंची टेप रखा है, तो इस नीले वाले को कटिंग के बाद इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, मतलब जो उधर से कटिंग हो जाएगी उसके बाद ऊपर रखें, और फिर हम निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, ये लगा रही हूं मैं, जो हिप का होता है, तो मैंने लिया है 14। और मैं पूरी मैं इलास्टिक डालूंगी फुल में, तो उसी के हिसाब से मैंने ये ले रही हूँ। तो ये देखिए, पहले मैंने ये निशान लगा दिया था यहीं से, शुरू से जितना चाहिए था, लेकिन अब मैं ऊपर 5 इंची निकाल के 1 इंची सिलाई वलाई में चले जाता है, तो इस वजह से थोड़ा कम ले लेती हूँ। 6 इंची के ऊपर रखेंगे हम। तो ये देखिए, अब ये 14 हो गया पूरा, और ऊपर निकाल दिया। जो एक्स्ट्रा हम जो अलग से कपड़ा लगाएंगे, ऊपर की साइड में हम दूसरे कलर का कपड़ा लगा देंगे, क्योंकि ऊपर हमारा दिखेगा नहीं, सूट से ढक जाएगा। तो इस वजह से जो ये नीला प्लेन है, तो इसको मैं ऊपर ही लगाऊंगी, और नीचे की साइड से मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ये नीला बिल्कुल नहीं दिखाना है। और अच्छा सूट बना है सिलने के बाद, आप देखिएगा फाइनल लुक, तो बताइएगा आप कैसा लगे आपको। तो ये देखिए, तो इतने में ही जितना आपको ये रखना है घेरा इसका, उतना आप रख सकते हैं। तो इस वजह से मैंने नहीं रखा है, निशान 2 लगाए हैं, लेकिन मैं इसे पीछे वाले को ही कटिंग करूंगी, क्योंकि ये नीचे तक नीला जा रहा था कपड़ा, और फिर नीचे से दिखता वो अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से फिर उसको मैंने कैंसिल कर दिया, जो ये निशान लगाया है। और इसकी बगल में दूसरा निशान लगाऊंगी, जो मैंने पहले मोहरी पे निशान लगाया है उसके सूट में। तो ये देखिए, ये लगा दिया मैंने उसको, और उसको हटा दिया, तो ये काफी घुटने से ऊपर तक है ये नीला, तो अब ये दिखेगा नहीं। और इसका कुर्ता बनाया है मैंने फ्रॉक सूट टाइप में, अम्ब्रेला कट में, तो नहीं दिखेगा। ये देखिए अलग हो गया, इतना मैंने ये नीला लगाया है। और ये नीला कपड़ा जोड़ा नहीं है, ये इसी में ही कलर आया है, नीचे ऊपर का बॉर्डर था ये। तो ये देखिए, जो हाइट हमारी कम पड़ रही है इसकी लंबाई, तो उसको मैं ऐसे रख के यहाँ पे, और 6 इंची का हम ये कपड़ा कट कर देंगे। और इसके ऊपर रख रही हूँ मैं थोड़ा, क्योंकि ये सिलाई जाएगी आधा आधा इंच, तो इस कपड़े के ऊपर ही रखकर और कट कर देंगे। तो ये मैं अब आपको रख के दिखा रही हूँ एक जैसा ही, लेकिन मैंने ये पीछे का हिस्सा थोड़ा 2 इंच 2.5 इंची एक्स्ट्रा लिया है, और आगे का हिस्सा जो है मैंने बराबर लिया है, 6 इधर 6 इधर। तो ये मेरी आज की कटिंग हो गई। अब बताइए आपकी समझ में आया है या नहीं, अगर आया है तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखिए। तो चलिए फिर, बाय बाय, थैंक यू।